लाइव हो गए, हम लाइव हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद वसीम अनवर है और मैं लाहौर पाकिस्तान से हूं। और आज हमने कुछ बहुत अरसे बाद हमने उर्दू हिंदी इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू किया है, और मैं बहुत अरसे से वेट कर रहा था जिस पर्सनालिटी को मैंने इनवाइट किया है आज, और आप स्क्रीन में देख भी सकते हैं। और लेकिन कुछ वो भी मसरूफ़ थे, कुछ मेरी मसरूफियात थे, हमारा टाइम का बीच में वो नहीं बनना था। तो आज मेरे लिए ये खुशकिस्मती है, आज वो मेरे साथ मौजूद हैं। इंडिया से इनका ताल्लुक है, कफील अहमद अंसारी। अस्सलाम वालेकुम कफील भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप दुआ है, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं वसीम भाई? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके ज्वाइन करने का शुक्रिया, और आपका मुझे टाइम नहीं देने नहीं का ऐसी बात शुक्रिया। नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा सा मशरूफियात थे और आपको पता ही है कि बिल्कुल बहुत बिल्कुल, सारी नहीं नहीं हम ऐसे जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और आप में और हम में तो ऐसी कोई बात नहीं है, घर की बात है। और लेकिन ये मैं चाह रहा था, क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो टैलेंट है, मैं चाहता था कि एक इंटरव्यू के जरिए कफील अहमद अंसारी को लोग जान पाए, और क्योंकि आपको उन पैसे के हवाले से लोग सुनते रहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने, आप जो डेली शो करते हैं, बहुत सारी बातें हैं आपकी जो हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग इंटरव्यू। तो इंटरव्यू का सिलसिला हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चन है, कि ये तो हम जानते हैं कि आपका ताल्लुक इंडिया से है, आपका ताल्लुक जी इंडिया के शहर से है, और जी समटाइम जी होता है आप मैं लोग एक ही शहर से ताल्लुक रखते हैं, बाज दफा दो शहरों से, तो आप उधर बताइए प्लीज। जी वैसे तो मैं इंडिया से ही हूँ, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। और उत्तर प्रदेश एक राज्य है, मैं उस राज्य से हूँ। और मेरी जो मतलब पैदाइश है वो अलाहाबाद प्रयागराज, जिसका भी नाम हो चुका है, वहां पे हुई। और बचपना वहीं गुजरा, एजुकेशन वहीं पे, और मेरा ददियाल एक्चुअली वहीं है अलाहाबाद, जिसको अभी हम लोग प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही जी साथ मैं अभी प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट कुंडा तहसील, एक छोटा सा टाउन है, मैं अभी वहां पे हूँ। इसको अगल बगल बहुत सारे गांव भी हैं। पहले मैं शहर में था, अभी कस्बे में आ गया हूँ। उसके बावजूद बहुत ही बेहतर हर चीज यहाँ पे है, और यहाँ के जो भी पॉलिटिशियन हैं या जो भी यहाँ के सारे लोग हैं, बहुत ही अच्छी चीजें यहाँ पर उन्होंने मुहैया करा रखी है, ये सारी चीजें यहाँ पे। और माशाल्लाह मैं यहाँ पे अपने नानी के यहाँ, यानी वहां पे गद्दी मिली है, क्योंकि अच्छा वहां पे और कोई अच्छा था नहीं फैमिली में, तो मुझे मुझे मिल गई, इसलिए मैं यहाँ पे आ माशाल्लाह गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अच्छा, ये इलाहाबाद के हवाले से तो हम जानते हैं, जो एक हमारे जो जो क्या हमें पाकिस्तान के बाद जो जलसे में एक जलसा इलाहाबाद भी था, अल्लामा इकबाल साहब का, तो जी रहमतुल्लाह जी अलैह जी का, आपको पता है वहाँ पर, आपको तो वो प्लेस भी बिल्कुल पता होगी जहाँ हुआ। तो ये भी एक मेमोरीज है, हमारी हिस्ट्री है। तो कबीर भाई, ये बताइए कि आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए, हम जानना चाहते हैं आपके बारे जी में। बिल्कुल 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 98 1998 में, 19 अक्टूबर 1998 में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। और लगभग करीबन मैं हाई स्कूल में था, घर की जिम्मेदारियां मेरे सर पे, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कोई भी खानदान, कोई भी परिवार बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि मैं अकेला तन्हा हूँ अपने वालिद और वालिदा का, ना ही कोई बहन ना ही कोई भाई, केवल तन्हा। और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे सर पे आ गई कि मैं अपनी वालिदा को छोड़ करके कहीं बाहर भी नहीं जा सकता। जैसे होता है ना कि बहुत सारे लोग शहर चले जाते हैं पैसा कमाने के लिए या जी और सारी चीज, तो वो भी नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी नानी भी जईफ, और जईफ होने की वजह से तो केवल घर की जिम्मेदारियां, और एक बिल्कुल टूटा फूटा सा घर था, जिसको पहले कच्ची दीवारें थी बड़ी मोटी मोटी सी उस तरीके की, और बहुत ही मतलब देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रगल किया है लाइफ में मैंने। यानी जिस वक्त मेरा था कि जैसे आजकल के बच्चे होते हैं कि हाई स्कूल इंटर में रहते हैं, तो बाइक चलाना, एंजॉय करना, फ्री होकर बिंदास रहना, ना ही कोई कमाने का टेंशन, केवल एंजॉय एंजॉय एंजॉय। मैंने उन दिनों में अपनी घर की जिम्मेदारियां उठाई और अपने परिवार को चलाया, कैसे भी करके, कोई भी गलत रास्ता अख्तियार ना करके, क्योंकि जब कोई सरपरस्त नहीं होता किसी का, तो वो बच्चे बिगड़ भी जाते हैं।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है परवरदिगार का कि मैं किसी भी गलत संगत या गलत लोगों के साथ मेरा ना ही कोई रास्ता था ना ही कोई ताल्लुकात, और बाकी चीजें स्ट्रगल करता रहा, मेहनत करता रहा और एक बड़े सपने के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो होता है ना कुछ बच्चे जिन पे वक्त की वजह से, हालात की वजह से जो कंधों में जिम्मेदारियां आ जाती, तो वक्त से पहले मैच्योर हो जाते हैं और रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो आई थिंक अगर एक लिहाज से देखा जाए तो एक अच्छा भी होता है, वक्त आपका वक्त ज़ाया नहीं होता, वक्त से पहले आप समझ जाते हैं दुनिया को और दुनिया में क्या करना है, और आपकी स्ट्रगल्स होती हैं, आपकी जो आपने ठोकरें खाई होती हैं जो आपके लिए आगे काम आती हैं। तो जो आई थिंक जो जिंदगी की ठोकरें होती है आपके लिए एक सबक होता है, सीख होती है, आपको आगे बढ़ने में मदद देती हैं। तो ये बताइए भाई कि आप प्रोफेशन वाइज आप क्या करते हैं, आपका यानी ऑन पैसिव से पहले आपका क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं या आपका जॉब क्या रही है, वो हमें बताइए थोड़ा। जी मैंने बताया ना कि जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ उस जमाने में ऑडियो कैसेट का जमाना था, जो टेप रिकॉर्डर में लगा करके गाने वगैरह कव्वाली वगैरह गजल वगैरह सुना करते थे लोग। तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, जीरो था मैं, जीरो बिल्कुल। तो मेरे दोस्त हैं तो उन्होंने मुझे 500 रुपए की मदद की, और मेरे वालिदा के खलेरे भाई उन्होंने 2000 रुपए दिया। मैं 98 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त में वो 2000 रुपए आज का 20,000 है मान के चलिए, या 50,000 मान के। उन्होंने ये हवाले से दिया कि बच्चा छोटा है, क्योंकि मेरी उम्र 16 साल के करीबन या बहुत ज्यादा 15-16 के दरमियान थी, तो उन्होंने ये सोच करके दिया कि मेरी बहन का बेटा है और अभी नाबालिग है और पता नहीं ये पैसा लेके जाए और डूब जाए। तो उन्होंने इस हवाले से दिया कि ये ले जाए और ले जाने के बाद अगर डूब भी गया तो लेना नहीं है इसको। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक जुनून जिसको कहे ना पागलपन, जो अभी आप सभी लोग ऑन पैसिव में देख रहे हैं, वही जुनून था कि अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, ये जिम्मेदारियां हैं। और एक सबसे प्लस पॉइंट था, मैंने उस काम को बड़ी जिम्मेदारी से किया कि जब दिन भर में अगर मैं 10 रुपए का भी कोई सामान बेचता था तो एक कॉपी में नोट कर लेता था कि 10 रुपए आया, फिर किसी ने 15 दिया, फिर किसी ने 50, इस तरीके से नोट करता था। और पूरा नोट करने के बाद जब शाम में मैं दुकान को जब क्लोज करने का वक्त होता था उसमें प्लस करता था कि मैंने इसमें कितना इजाफा कमाया, उस इजाफे से थोड़ा सा निकाल करके रख देता था कि ये जो शॉप है इसका हमको किराया देना है और इतने की हमको शाम में सब्जी दाल तेल या जो सारी चीजें हैं वो लेकर के जाना है, और आगे हमको इस दुकान में यानी इस शॉप में और कितने माल यानी और कितने सामान बढ़ाने हैं कि मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूं। और करीबन साल भर मेहनत की, 6 महीने मेहनत की, महीने मेहनत की, और मैंने जिन लोगों से मामू से भी लिया था उनको भी दे दिया और वो इनकार कर रहे थे कि ये क्यों दे रहे हो, मैंने तो इस वजह से नहीं, इस वजह से दिया। फिर उसके बाद मेरे एक और मामा है, मतलब यहीं पे लगते हैं, रिलेशन में ही है। तो वक्त बदला, वक्त बदलने के बाद फिर उसका जमाना गया, फिर बिजनेस में काफी वो, तो फिर डीवीडी और सीडी का जमाना आया, फिर वीडियो एडिटिंग का। तो उन्होंने कहा कि जरूरत है तुम घर के हो, आओ साथ में यहीं पे रहो, जो भी होगा करा जाएगा। तो इस तरीके से फिर मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी, मैंने अपोजिट काम सीखा, पहले वीडियो एडिटिंग फिर स्टिल जो लाइव फोटोग्राफी होती है, और वो भी रील वाले से जिसमें रोल रहता था, फिर उसके बाद क्लिक करने के बाद ऐसे आगे बढ़ाते थे और फोकस मैनुअली करते थे। अब तो फोकस ऑटो आ गया, बटन दबाइए वो फोकस करने का जो लेंस आ गया, वो मैनुअली फोकस में करता था और उसमें एक आता था कट टू कट फोकस, वो फोकस करता था और 3 सेकंड में फोकस कर लेता था, 3 सेकंड में, यानी कि जो अभी ऑटो फोकस है उससे भी तेज में करता था, इतना ज्यादा पागल बनता। और मैंने उस काम को 24 घंटे में 18 घंटे में करता था, उस वक्त भी 18 घंटे 16 घंटे करके मैंने उस काम को सीखा, और काम को सीखने के बाद उससे थोड़ा सा काफी ज्यादा माशाल्लाह फिर उरुजियत आई, उरुजियत आने के बाद फिर बहुत सारी चीजें, शादी हुई, शादी के बाद हमारी मतलब नानी का इंतकाल हो गया, मेरी वालिदा हैं, मेरी वाइफ है और 2 बच्चे, एक का नाम है अंसारी बिस्मा कफील बिटिया है और बच्चे का नाम है अंसारी फरमान हसन। अच्छा सही है,
कफील भाई, आपकी बातों से मुझे लगता है कि आपने शुरू से ही वो चीज़ें सीख ली हैं जो हम इदारों में जाकर सीखते हैं या बहुत बाद जाकर सीखते हैं, यानी मैनेजमेंट, चीज़ों को मैनेज कैसे करना, ऑर्गेनाइज कैसे करना, जी ठीक है, और वक्त से पहले आप प्रोफेशनल लाइफ में आ गए। तो आपने जैसे बताया कि आपने वीडियो एडिटिंग सीखी और लाइव फोटोग्राफी सीखी, तो ये अब प्रोफेशनली आप इसका कैसे यूजेज कर रहे हैं? क्या इवेंट्स वगैरह में जाते हैं, क्या करते हैं, कैसे आप इसे इवेंट्स वगैरह भी करते हैं, और साथ ही साथ मैं लाइव इवेंट यानी कि जो भी कल्चरल प्रोग्राम होते हैं उसको मैं ऑर्गेनाइज भी करवाता हूँ। बहुत बहुत यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं जो कॉन्वेंट स्कूल हैं और कॉलेज हैं, और उसके साथ साथ इवेंट्स वगैरह भी मैं करता हूँ बहुत सारे, और साथ ही साथ एक सिनेमैटिक वीडियो होती है उसको करता जी हूँ, और जो सॉन्ग्स वगैरह होते हैं जैसे कि जी जी पाकिस्तान में भी आपके बहुत सारे वीडियो सॉन्ग होते हैं, वीडियो जी सीरियल टीवी पे सीरियल्स आते हैं तो उसकी भी जी एडिटिंग करते हैं, और सॉन्ग्स की भी एडिटिंग। लिप्स एक होता है, लिपसिंग मिलनी चाहिए यानी कि वो हाँ बैकग्राउंड से तो रियल आवाज आती नहीं, वो तो जो जैसे राहत फतेह अली खान साहब की आवाज है जी तो पता चला कि वीडियो में कोई और है, आवाज उनकी है। इस तरीके से लफ्ज से लफ्ज मिला करके, और खास करके, और एक चीज और है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमारे सिंगर हैं जो नवयुवक नए लोग हैं, उनका तलफ्फुज बेहतर नहीं, तो उनके तलफ्फुज को भी दुरुस्त करवाते हैं हम कभी कभी, जो हमसे हो सकता है बेहतर से। जी हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच और आपकी इतनी इंफॉर्मेशन के लिए। हमारे साथ ज्वाइन किया है इस वक्त आयशा आसिम ने, और ये एक जी हमारी जी एक जी गिफ्टेड लेडी हैं। हेलो आयशा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी कफील साहब, वसीम साहब, आज तो आप लोगों ने बहुत जबरदस्त ये इंटरव्यू हो रहा है और मैं काफी इंजॉय कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत खुशी हो रही है सुन के, आपने जो अपना बताया तो बिल्कुल एक ऐसा लगता है जैसे जिसको कहते हैं ना सेल्फ मेड, जो इंसान जो स्ट्रगल करता है और अपना खुद अपने आप जो है खड़ा होता है खुद अपने पैरों पे, तो वो वाली बात सामने आपने मतलब एक एक सब एग्जांपल मतलब क्रिएट किया है सबके सामने, तो बहुत खुशी हुई है सब सुन के और बड़ा अच्छा इंटरव्यू जा रहा है माशाल्लाह। थैंक यू मैं बहुत आयशा, इंजॉय कर आयशा रही हूँ। आपने ज्वाइन आपका ज्वाइन करने का, शुक्रिया। मुझे पता आप ये बहुत बिजी थी, इनका स्केड्यूल जरा था, लेकिन फिर भी ये इंटरव्यू के लिए उन्होंने टाइम निकाला, थैंक यू वेरी मच। और नहीं जी क्या, और कफील भाई ये बताइए कि आप इसके अलावा एक और काम भी आपके क्रेडिट में है, एक्टर हैं आप, उसके बारे में बताइए वो। ये बचपन से शौक है सर, ये बचपन का शौक है, जी और करीबन जी, क्लास 4th और 5th से ही मैं वहाँ के जो भी कल्चरल प्रोग्राम हुआ करते थे उसमें मैं जी पार्टिसिपेंट करता था। उसके बाद इत्तेफाक से क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक मैं इस्लामिया कॉलेज में चला गया, और वहां पे इस तरीके से कुछ भी नहीं होता था। इलाहाबाद में है वो, अटाले पे है, मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज, तो वहां पे केवल हमदो शरीफ सुबह समझ लीजिए असेंबली में जो होता है, जैसे आपके यहाँ पे लप्पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के जो कलाम है, लेकिन वहां पे क्या था कि अल्हम्दो शरीफ प्लस तर्जुमा, और बहुत स्ट्रिक्ट था, इस तरीके से कुछ नहीं होता था। तो मान के चलिए कि 6-7 साल के लिए मैं उसको बिल्कुल भूल गया, और उसके बाद जब मैं अपने यहाँ, मैंने बताया कि मैं इधर प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट हुड्डा आ गया, तो जी यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरीके का मामला था। वालिद साहब के इंतकाल के बाद जिम्मेदारियां, और जिम्मेदारियों के बाद फिर जिसको कहते हैं ना कि अंदर से एकदम टूट जाना, और टूटने के बाद फिर यहाँ पे कुछ ऐसे कॉन्वेंट स्कूल हैं और इंस्टीट्यूट वगैरह की, उन्होंने एक डांस कंपटीशन और एक्टिंग कंपटीशन रखा, तो मेरी खाला लगती हैं मेरे मोहल्ले से ही, तो उन्होंने जी कहा कि अगर आप कफील को बुला लीजिए तो आपका जो स्कूल है वो टॉप पे आ जाएगा। अच्छा क्यों? क्योंकि वो अगर सिखा देंगे आपके बच्चों को तो समझ लीजिए कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में या पूरे मतलब एरिया भर में उनके बराबर का कोई नहीं है, और कोई भी नहीं जानता था। यहाँ पे मैंने शो भी नहीं किया था, इत्तेफाक से बहुत प्रेशर हुआ, कम से कम 10 बार मैनेजर आए उनके, उनके मैनेजर आए जिनका नाम है मिस्टर एजाज खान साहब, और कहने लगे, रिक्वेस्ट करने लगे कि प्लीज अच्छा आप आके देख लीजिए, आप सिखाइए ना, केवल बच्चों को देख लीजिए क्या वो कर सक रहे हैं कि नहीं। और जब मैं गया तो इत्तेफाक से फिर एक होता ना अंदर का जो कि कीड़ा जिसको कहा जाए,
यार बच्चे कर तो रहे हैं लेकिन पकड़ नहीं पा रहे हैं उस चीज को, ना फेस इम्प्रेशन उनका आ रहा है ना और सारी चीजें आ रही हैं। तो थोड़ा सा बताया तो फिर उसमें रिक्वेस्ट करने लगे, सर आप आ जाइएगा और प्लीज जो भी आपका हो, जो आप फीस लेना चाहें, आप पेमेंट लेना चाहें, लेकिन आप आ जाइए, मैं चाहता हूं कि मेरा कॉलेज टॉप पे आ जाए। तो उस टाइम जरूरत भी थी क्योंकि बताया ना कि बहुत सारे हालात थे, तो मैंने कहा चलिए शुरुआत करते हैं, एक घंटे देंगे। मैं केवल एक घंटा जाता था, उसी से फिर मेरा जो मरा हुआ एक्टर था वो फिर से जिंदा हो गया, ये आप समझिए। और अभी प्रेजेंट टाइम पे तो आप सभी लोग देख रहे हैं बिस्मा प्रोडक्शन पे, बहुत सारी वीडियोस मैंने एज ए अनपैसिव के लिए, बाकी और सारी चीजों के लिए मैंने बना रखी थी, और अभी तो बाकी सारी चीजें खुली किताब है, सारी चीजें यूट्यूब पे। कितनी वीडियो अपनी एक्टिंग से मुतल्लिक आपकी कितनी वीडियोस हैं? वीडियोस पे जो मेरे चैनल पे थी करीबन 100 प्लस। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी, मैंने दूरदर्शन एक यहाँ पे चैनल चलता है जो उत्तर प्रदेश दूरदर्शन चैनल है यूपी का, उसके लिए मैंने सीरियल भी किया था एज ए विलन का। अच्छा क्या बात है, आप तो हीरो लगते हैं, हमने विलन का क्यों किया? नहीं, वजह थी ना कि विलन का रोल टफ होता है सर, हीरो का रोल आसान होता है, विलन का रोल थोड़ा सा टफ होता है। और जो उनके डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कफील आप करो, कोई कर नहीं पा रहा है, वो जुनून वो गुस्सापन या उस तरीके से गेटअप कोई कर नहीं पा रहा है, आप करो। मैंने कहा ठीक है चलो मैं ये कर देता हूँ भाई, विलन बना दो हीरो को। वो ज्यादा चैलेंजिंग होता है आई थिंक, विलन का रोल करना ज्यादा चैलेंजिंग होता है, हीरो का रोल सिंपल होता है, तो आई थिंक एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक अच्छी चीज है। अच्छा अब आप वीडियोस की बात हो रही तो मैं हम बात करेंगे बिस्मा प्रोडक्शन के बारे में, बताइए क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी बिस्मा प्रोडक्शन 2017 एक टी सीरीज का नाम सुना होगा आपने? जी जी टी सीरीज, जी जी टी सीरीज पे एक मैंने एल्बम प्रोड्यूस किया था। अच्छा ये बुल्ला के नाम से बडाली ग्रुप्स के साथ, यस बड़ाली ग्रुप्स के साथ मैंने एक एल्बम रिलीज किया था। तो उसी दरमियान में मैं गया तो ये हुआ कि आप के पास जब तक प्रोडक्शन का कार्ड नहीं होगा तो आप इसको कर नहीं पाएंगे। मैंने कहा पहला काम ये करिए फिर। तो मैं फिल्म इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया से एज ए मैं लीगल प्रोड्यूसर हूँ, इसमें प्रोडक्शन के नाम से रजिस्ट्रेशन है, क्या बात है, कार्ड है, सारी चीजें हैं। ये नहीं कि बहुत सारे लोग प्रोडक्शन या कुछ भी लिख देंगे और कुछ नहीं रहता, मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें हैं, ईयरली उसकी फीस होती है तो देता हूँ, और जो भी सारी मीटिंग्स होती हैं उसमें भी बुलाया जाता है, तो साल या दो साल में एक बार हमको बॉम्बे भी जाना पड़ता है कभी कभी। क्या बात है तो माशाल्लाह। अच्छा ये इससे पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएं, थोड़ा सा ये हमारे चैट में कुछ लोग हमें मैसेज किए हैं तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ, और आप सब लोग वॉच कर रहे हैं जो इस वक्त चैट में हमारे साथ मैसेज कर रहे हैं उन सबका शुक्रिया। और मैं नाम लेना चाहूँगा जी, सजीबुर रहमान है, मोहम्मद सजीबुर रहमान बांग्लादेश से, अस्सलाम वालेकुम। ओन फाउंडर के नाम से हैं, जाहिद लाहौर हैं, लाहौर से अस्सलाम वालेकुम। यश राठौर हैं जी, ममता दास हैं, परवाज आलम है, गज्जू प्रोडक्शन है, ये तो कोई प्रोडक्शन है, एक और आपको ज्वाइन किया चैट में, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है, कम से कम इसी हवाले से वो जान तो जाए कि किस तरीके से क्या होता है, कम से कम वो भी कामयाब हो जाए अल्लाह करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मोहम्मद जावेद हैं जी, अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को, सनाउल्लाह, मोहम्मद सनाउल्लाह है, और गुरु है मोहम्मद उस्मान है, उन पैसिफ और गुलशन बेगम है, जागराम यादव हैं, और मोहम्मद मिस्टर हैं, गुलशन बेगम, अच्छा अगेन मोहम्मद जावेद, मिराज निजामी जी हैं, चंदन राज जी हैं, और मोहम्मद जमान चौधरी हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, वो आपको कफील भाई अंसारी साहब अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, आप मोहम्मद जमान चौधरी हमारे एक बड़े बुजुर्ग हमारे, बिल्कुल 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 जी जी जी, बुजुर्ग ही हैं, बहुत एक्टिव, उनकी दुआ चाहिए बस। जी बिल्कुल बिल्कुल। गुरु शंकर जसवाल जी हैं, और इसके अलावा योगिता जंगरा जी हैं, और आमिर जावेद हैं,
लखन लाल जी हैं, चंदन राज अगेन, मिराज नजमी, श्री गुल सुल्ताना जी हैं, और सुख प्रताप सिंह हैं, राखी बारेक जी हैं, मदन मिश्रा हैं, नादिर अली खोकर, अनवर शादाब जी, और ये और उनकी मिसेज आप जानते हैं बहुत एक्टिव हैं, और रेहाना खान जी माशाल्लाह, दोनों यहाँ योग, और जी जी बिल्कुल, और इजाजुल्ला बेग साहब हैं, और आयशा आसिम साहब ने पहले वहां को जो अस्सलाम वालेकुम कहा, बाद में आई तो, जी मिर्जा वसीम साहब हैं, और कैलाश केपी जी हैं, दीप नारायण जी हैं, और तामल दास हैं, और मणिदेव पांडे हैं, हाँ सुहेल हसन साहब हैं, सुबीन मंदल जी हैं, कुलेश्वर महतू जी हैं, और ओतराम, आई थिंक सॉरी अगर मैंने नाम कोई गलत ले रहा हूँ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद कैफ खान, अस्सलाम वालेकुम कैफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, उन्होंने कहा हेलो अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और कैफ भाई, धर्म सिंह है, संदीप जी हैं, और ओम प्रकाश जी हैं, और ये आप सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने ज्वाइन किया है हमें। आयशा आप कुछ क्वेश्चन करना चाहती हैं, आप हमारे साथ हैं, आयशा का कोई इंटरनेट का इशू है तो देखते हैं अगर जी आप कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसा मौका बिल्कुल अपने हाथ से नहीं जाने देना चाह रही, मेरे पास बिल्कुल क्वेश्चन है, और मुझे पता है कफील साहब बहुत ही एक इतना इन्फॉर्मेटिव जो है ना हमेशा बातें करते हैं, और इनके पास अच्छी खासी एक समझे एक ट्रेजर है नॉलेज का, तो एक ऐसे ही एक जहन में सवाल आया है, वो इतना आई डोंट नो इतना कोई रेलिवेंट नहीं है, बट फिर भी ऑन पैसिव में हम लोगों के पास, हम सब कहते हैं कि सबके पास जो है एक, किसी के पास एक आईडी है, किसी के पास बहुत सारी आईडीज हैं, तो अगर हम हमें सराश कहते हैं कि जो फाउंडर्स इंगेज रहते हैं और जो आगे भी इंगेज रहेंगे, और उसके बाद ये बात भी हुई थी कि रिन्यू जो हमारी जो मेंबरशिप समझे रिन्यू होगी, तो वो भी उसके ऊपर जो है उस पे होगी कि आप जो है कितना एंगेज रहते हैं, कितना बिजी रहते हैं, आप कितना ऑन पैसिव में इन्वॉल्व्ड हैं, तो अगर मेरी इंडिविजुअल आईडी है और मैं वेबिनार्स अटेंड कर रही हूँ और मैं बहुत सारी चीजें कर रही हूँ, तो वो तो ठीक है, चले मैं बहुत ही समझे एक्टिव हूँ, बट अगर मेरी 5 आईडीज हैं या किसी की जैसे 50 आईडीज हैं या 10 आईडीज हैं, तो एक वक्त में इंसान सारी आईडीज पे एक्टिव नहीं रह सकता, इतना कर भी नहीं सकते। देखें एक आईडी के साथ हम लोग अपनी पहचान बना रहे होते हैं और इंटरव्यूज कर रहे होते हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, और साथ में हम बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं जिसकी वजह से अवेयरनेस होती है, हमारी शनाख्त बन रही है। अब अगर हम अपने दूसरे ईमेल्स के थ्रू हमने आईडीज बनाई हुई है और हम उसमें एक्टिव नहीं है, हम उसके थ्रू लॉग इन होके हम उतना ज्यादा वेबिनार अटेंड नहीं कर रहे, हम इंटरव्यूज नहीं कर रहे उसके थ्रू, तो हम क्या मतलब वो हमारी आईडीज क्या रिन्यू नहीं होंगी? इसका मुझे जरा जवाब दीजिए। जी जी, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आप लोग सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि मिस्टर आयश पारे सर ने एक चीज के बारे में जानकारी उन्होंने दी थी कि आपकी जो भी मल्टीपल आईडी है टोटल 2, 4, 6, आप उसको सेम टाइम एक ही विंडोज पे ओपन कर सकते हैं, पहली चीज। और आईडी जब आपकी ओपन हो जाएगी तो वो सारी आईडीज, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास 6 आईडी है, तो अब मेरे नाम से 3 है, मेरी वाइफ के नाम से है, मेरी बेटी के नाम से और मेरे बेटे के नाम से। अब उसमें क्या होता है कि आपने बिल्कुल बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्टिव नहीं है, वो केवल नाम के एक्टिव हैं। जब आप पूछेंगी कि क्या आप मीटिंग में आती हैं, यस, वीडियो देखते हैं, यस, वेबिनार में आयश सर के आते हैं, यस,
लेकिन अगर कोई भी सवाल उसी के मुतालिक आप पूछ लेंगे तो एक का जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि वो अपने आप के साथ धोखा दे रहे हैं, खुद के साथ। क्यों? क्योंकि जब वो उनको खुद ही कोई भी नॉलेज नहीं होगी, कोई भी जानकारी नहीं होगी, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो शर्म के मारा किसी को बताएंगे नहीं और अपनी आईडी को खो देंगे हर एक प्रकाश से। और एक्टिव वाली बात है कि आप एक्टिव नहीं लिखेंगे तो हकीकत बताएं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे कि गालिब साहब का एक शेर है, मैं मिस कर रहा था इस पैनल में शेर मिस कर रहा था। गालिब साहब का एक शेर है, याद नहीं आ रहा है इत्तेफाक से कि पूरी तरीके से, कि वो जगह बता जहां पे खुदा ना हो, कि शराब के ऊपर डिपेंड था वो, सुना है वो शेर। हाँ इत्तेफाक से नहीं आ रहा, लेकिन अभी इस दिन कुछ दिन पहले ऐसी बात हो रही थी हमारी, तो मैंने शेर को बोला था कि शराब जो है वो दरवाजे पे बैठ के, यानी कि मस्जिद के दरवाजे पे बैठ करके पी रहे थे, तो एक जो मतलब आलिम दीन कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, वो आए, उन्होंने आकर के उनके ऊपर तंज किया कि अरे नादान ये क्या कर रहे हो गालिब, आप मस्जिद में आकर के पी रहे हो और आपको खुदा से डर नहीं लगता, अल्लाह से डर नहीं लगता, आप यहाँ पे बैठ के पी रहे हो, अल्लाह देख नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसी कोई जगह बताइए जहां पे खुदा ना हो, मैं चाहे जहां पे बैठ कर पीऊं, पता तो चल जाएगा ना अल्लाह को कि मैं शराब पी रहा हूँ, मैं गंदा काम कर रहा हूँ या जो भी है। तो यहां पर जब भी कोई आईडी अपनी ओपन करेगा तो वहां पर टेक टीम को पता चल जाएगा कि आयशा जी ने अपनी आईडी 10:02:03 पे अपनी ओपन करी, और कितनी देर के लिए करी, और उसमें कौन कौन सा सिस्टम उन्होंने ओपन किया, ओनेट किया, ओमेल किया, ओट्रिम किया, ओ कनेक्ट किया, या क्या किस देर, कितनी देर किस प्लेटफॉर्म पे वो रही और कितनी देर उस प्लेटफॉर्म पे वो नहीं रही, तो इसका सारा रिकॉर्ड वहां पे टेक टीम में एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है, वहां पे सारा रिकॉर्ड सबका जा रहा है कि कौन एक्टिव है और कौन एक्टिव नहीं है। इसमें आपको हवाला देने की कोई जरूरत नहीं, आपको कोई भी प्रूफ देने की कोई जरूरत नहीं कि मैं जोर जोर से जाकर चिल्लाऊंगा कि मैं कफील अहमद अंसारी हूं, मैं दुनिया भर को वीडियो बनाकर सुनाता हूं, मैं अपडेट देता हूं, मेरी आईडी में नेक्स्ट ईयर क्यों नहीं आया, मैं चाहे जितना चिल्लाऊं इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरी भी आईडी नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि रिन्यूअल ऑप्शन ना आए, मैं केवल दुनिया भर को लोगों को रास्ता दिखलाऊं और मैं खुद उस रास्ते पे ना चलूं, तो यह गलत है। आप जब एक्टिव रहेंगे आपकी सारी चीजें वहां पे बैठ करके सारी चीजें सब चेक होती रहेगी। और वो ट्रैकर किस लिए आ रहा है, वो ट्रैकर का तो दो ही मकसद है ना, पहली चीज की ट्रैफिक को जनरेट करना, वो ट्रैफिक जनरेट करेगा, लोगों को यही नहीं पता है, वो ट्रैकर सोच रहे हैं बस ये पता चल जाएगा कि वसीम भाई कहाँ बैठे ला पता कर ले, ऐसा नहीं है, वो ट्रैकर तो ट्रैफिक भी देखेगा ना, और साथ ही साथ इन चीजों को भी देखेगा कि कौन कब किस वक्त किस देश से किस राज्य से किस जिले से किस मोहल्ले से हमारा कौन सा ब्रांड एम्बेसडर एक्टिव है या एक्टिव नहीं है। सारी चीजें मैम पूरी चीजें वहां पे खुलासा हो जाएंगी, और सेम टाइम पे आप अपने मल्टीपल आईडी यानी 2, 4, 6, 10 जो भी है आप सेम टाइम खोलिए, थोड़ा सा वक्त देना ही पड़ेगा, जब लेने की आपकी ख्वाहिश है तो देना भी पड़ेगा, एक तरफा नहीं हो पाएगा। अच्छा बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी अच्छी डिटेल में बताया, समझा दिया, बट इसका मकसद ये है कि आप ये कह रहे हैं कि हम जो है वो अपनी आईडी वो ओपन हमें करना ही पड़ेगी, और हमने वो वेबिनार के लिए जिस चीज के लिए भी हम चाह रहे हैं अटेंड करना या जिस चीज में भी, तो वो हमें उसकी उसको जाहिर सी बात है ओपन करना ही है, ताकि वो जो है वो शो हो कि हम इस जो है वो अपनी आईडी से जो है कनेक्टेड है। तो बिल्कुल सही सर, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। ये मैंने इसलिए भी पूछा कि इतने सारे लोग पूछते हैं, और एक और चीज ये है कि मैं ये समझ रही थी कि शायद हमारी आईडीज और हमारा जो एड्रेस है वो ऐसे जैसे प्रॉक्सी सेटिंग होती है या इस तरह से होती है, तो वो एक आईडी कॉमन हो जाती है, उनको पता चल जाता है भाई इस आईडी के साथ ये
जुड़ी हुई हैं आईडीज, या हमारे जैसे हमारे ओएस में हमारे पास हैं आईडीज, तो कुछ उनको ऐसी डिटेक्शन होती है कि भाई ये इसके साथ इतनी आईडीज हैं, तो आई थिंक इस तरह नहीं है. आई थिंक एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर इंडिविजुअल आईडीज, और जिस तरह भी आप ओपन करेंगे उस तरह से आप जो है उससे जो है वो कनेक्ट रहेंगे. थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका. जी मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा. बिल्कुल बिल्कुल. जी बिल्कुल. देखिए ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. ये आई थिंक आयशा को याद हो हमने माइकल विलियम से भी पूछा था इस हवाले से, कि आयशा सर ने जब रिसेंटली बात की थी तो उसमें ये होगा कि असल में आपको बेनिफिट्स ही इतने मिलेंगे, आपको हर आईडी एक्टिव होने पड़ेगी. एक्टिव होने का ये मतलब नहीं है कि आप वेबिनार अटेंड करें, आपने अगर वो आईडी ओपन भी कर लिया तो आप एक्टिव हैं. जैसा कि कफील भाई ने बताया कि हर एक्टिविटी नोट होगी, तो वो एक एक चीज़ तो ये है. सेकेंडली वो कुछ में ऐसे कोई इंटरेस्टिंग एलिमेंट वहाँ पे शामिल कर देंगे कि आपको आईडी खोलने ही पड़ेंगे, यानी कोई ऐसे प्रोमो होंगे, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी होंगी जो आप अगर नहीं खोलेंगे वो मिस कर देंगे, तो आपको तो आप एक्टिव तो रहेंगे. जिस तरह देखें उन्होंने एक्टिव होने के लिए आपका अपना आईडी पैकेज कैसे एक्टिव करते हैं, उन्होंने जैसे एक ये स्ट्रेटेजी की है कि आपका अर्निंग आपको मिलती रहेगी, बट आप जब देखेंगे कि आपको अर्निंग इतनी ज़्यादा हो गई है लेकिन आपके पैकेज एक्टिव ना होने की वजह से आप विड्रॉ नहीं कर पा रहे, तो आपको वो एक्टिव करना पड़ेगा. ये भी एक उनकी स्ट्रेटेजी है. आई थिंक ये जो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होगा. जो आईडी रिन्यू सर एक चीज ये भी है ना कि लोगों की हेल्प भी होनी चाहिए आपके जरिए से. आप ब्रांड एम्बेसडर अपने आप को कह रहे हैं, आप बिल्कुल झंडा उठा कर आगे आगे है, मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो आप उस चीज का हक भी तो अदा करें, लोगों की हेल्प करें. ये भी मसाल दे रहा हूँ कि एक ऐसा आईडी है जो आपने एक आप फाउंडर है, एक साल से आपने ओपन ही नहीं किया. जी. आपने पहली पैकेज नहीं एक्टिव किया, आपको पता ही नहीं है, आपने बस किसी तरह पैकेज बाय कर लिया था, तो नेक्स्ट ईयर तो वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएंगे ना. तो नेक्स्ट उनका रिमूव होना इसलिए भी बनता है कि यहाँ पर कंपनी क्वालिटी की बात करती है यहाँ पे. और यहाँ पर मैं एक वैसे ये फाउंडर्स हैं उनको मैं एक ये राय दूंगा कि वो सीखें, और जो भी हमारी जो ओ फाउंडर या इको सिस्टम है उनको सीखने की कोशिश करें, उनके बारे में जानने की कोशिश करें. एक ऐसी चीज जो एक ऐसी कंपनी जो आपके लिए अर्निंग का जरिया बन रही है, तो आप क्या उसके लिए इतना नहीं कर सकते कि थोड़ा सा सीख लें. मैं टेक्निकल सीखने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो सीखने की बात कर रहा हूँ, आप कैसे लॉगिन करना है, कैसे कोई पैकेज एक्टिव करना है, कैसे कोई अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है, कैसे आपने ट्रैफिक बाय करने है, भाई इतनी चीजें तो सीखनी पड़ेंगी आपको. बिल्कुल 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 बिल्कुल. अगर नहीं सीखेंगे मैं कह रहा हूं हर एक चीज के लिए वसीम अनवर थोड़ी हर वक्त मौजूद रहेंगे, या कफील अंसारी, या और भी जितने भी दीगर लोग हैं वो कहाँ मौजूद रहेंगे. आपको भी सीखना पड़ेगा, हमको भी सीखना पड़ेगा. देखिए अगर आपने जैसे आपको वहाँ ट्रैफिक बाय करने की अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है लेकिन आप एक्टिव ही नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको पता नहीं है, आपने कहा जी मैंने फाउंडर बन गया हूँ तो मैं वेट कर रहा हूँ कि कब मेरी अर्निंग बढ़े तो मैं पैकेज बाय करूँ वगैरह वगैरह, आपको कुछ समझ नहीं आ रही, तो ये जो एडिशनल चीज़ें मिलेंगी इसकी मिसाल ऐसे ही है. जैसे कंपनी अगर हमें सबसे पहले तो एक गलत फहमी सबको दूर कर देनी चाहिए कि बहुत से लोग जो क्वेश्चन करते हैं रेफरल लिंक से कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये हमें तो काम करना पड़ेगा, जब कंपनी कई दफ़ा कह चुकी है ये ऑटोमेशन पर है. बट अगर आपने बेटर रनिंग करनी है तो आपको खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी, अगर उससे ज्यादा बेटर करनी है तो ट्रैफिक पैकेज बाय करने पड़ेंगे, और इस तरह की चीजें देखिए आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, आपको लैंडिंग पेज वगैरह इस तरह करने पड़ेंगे अगर आप ज्यादा अर्निंग करना चाहते हैं. तो अगर आप मेरे ख्याल में कोई बेवकूफ ही होगा जो एक कंपनी उसे अर्निंग दे रही है तो आप सिर्फ उसी पर डिमांड करके बैठे हैं जी हमने कुछ काम नहीं करना, आप ज्यादा पैसों के लिए कसम खा लिया कि अब मैं कुछ नहीं करूंगा, जो देंगे बस वही लूंगा. आपको मैं मिसाल देता हूँ, जैसे मार्ट है, मार्ट की एक प्रोडक्ट है, आप मार्केट करते हैं, 200 आपके सेल्समैन है जो कि मार्केटिंग करते हैं, तो आप 200 सेल्समैन जितनी भी सेल्स लेकर आएंगे वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक लेकर आएंगे, लेकिन अगर आप अपने सेल्समैन 200 से 1000 कर दें तो क्या आपकी अर्निंग नहीं बढ़ेगी. 200 अपनी लिमिट कितनी भी बढ़ा लें कितनी करेंगे, एक हद तक ही करेंगे,
एक आदमी की कैपेसिटी है उससे ज्यादा तो नहीं वो करेगा। तो ऐसे ऐसे ही है, जब आप ट्रैफिक पैकेज बाय करेंगे तो खैर अब ये बात किसी और ट्रैक पे निकल गई। हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जी अब जी ये बताइए कि अकील भाई, कफील भाई, एक हमारे अकील भाई भी हैं पाकिस्तान से, तो बिल्कुल। ना, तो मेरा क्वेश्चन ये कि ऑन पैसिव का मैं, आप जब अभी ये काम कर रहे थे वीडियो एडिटिंग और लाइव फोटोग्राफी, एक्टिंग भी कर रहे थे बिस्मा प्रोडक्शन, ये ऑन पैसिव कैसे ज्वाइन किया, वो इस तरफ कैसे आया आप, मतलब ये हादसा कैसे हो गया कुल मिलाकर ये? कैसे हो गया और जिंदगी पे कैसे इम्पैक्ट पड़ा। हादसा नहीं, बिल्कुल ये अजीबोगरीब दास्तान है। इसलिए अजीबोगरीब हम कहेंगे कि एक दो शख्स हैं, उन्होंने किसी ना किसी के जरिए से हमारे तक एक मैसेज पहुंचाया कि आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। और मैं थोड़ा सा बोलने में बहुत ही टाइट हूं, अगर जो भी चीज गलत है तो फेस टू फेस बोल देता हूं, चाहे वो हमसे उम्र में कम हो चाहे ज्यादा हो, हमको गलत नहीं पसंद। और वो भी भरी सभा में, यानी कि भरे महफिल में मैं वो बात बोल देता हूं। तो वो डर रहे थे कि पहले इजाजत आप ले लीजिए। फिर एक साहब को मैंने कॉल किया, मैंने कहा ये बताइए कि ये कोई आन पैसिव है क्या? उसमें फाउंडर बनने का है तो एक काम करिए कि कहाँ हैं आप? तो उन्होंने कहा कि मैं हूं, इसमें मैंने करीबन 6 महीने पहले फाउंडरशिप ले रखी है। और मैं डर रहा था, वो भी डर रहे थे, इत्तेफाक से दूसरे शख्स थे वो भी डर रहे थे और वो भी डर रहे थे हमारे पास आने के। तो मैंने कहा ऐसा करिए कि आप फौरन आ जाइए मेरी ऑफिस में, यानी शॉप पे, और आने के बाद तुरंत इसको एक्टिव करना है, क्या है कैसे है ये बाद में होगा, पहले आप मेरी आईडी को इसमें एक्टिव करें। और कैसे होगा? वो आए, मैंने कहा आप हमको रेफरल लिंक दीजिए। मैं रेफरल लिंक दिया उन्होंने, मैंने अपना लैपटॉप अपना डेस्कटॉप ओपन किया, मैंने ही सब कुछ कर डाला, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। यानी कि कहा जाए कि किसी ने मुझे बताया नहीं, मैंने खुद ही बुला लिया कि यहाँ आ जाओ और मुझे इसमें शामिल कर लो। ये हुआ था, ये हादसा हुआ मेरे साथ, समझ लीजिए। ये ऐसा तो हुआ, तो लेकिन आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा ऑन पैसिव के ज्वाइन होने के बाद? इससे पहले आप इस बात का जवाब दो, बिल्कुल थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, हमें शाहीन हसन ने ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम शाहीन, उसने हम दोनों को सलाम किया, और गोपाल शर्मा जी हैं वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी। अब इसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया, बहुत ज्यादा फर्क मतलब हुआ कि एक होता है ना कि थोड़ा सा टीचरिंग की भी आदत थी पहले से मेरे में, और थोड़ा सा मिस्टर गुरसविंदर ढिल्लन सर ने भी बीच में बात होती रही, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो भी मुल्क हैं, यानी पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी, इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वहां पे देखिए वसीम भाई अकेले परेशान हैं, वहां पे कोई मदद करने के लिए नहीं। तो फिर आपका नाम लिया आसमा जी का, कि वो दो लोग हैं मेहनत कर रहे हैं और अपने मतलब मुल्क के सभी लोगों को एक्टिव करने के लिए परेशान है। और मैं भी चाहता हूं कि इंडिया में भी बहुत सारे लोग एक्टिव हों, और उनको लोग सिखाने वाले नहीं है, उंगली पकड़ करके सिखाने वाले लोग नहीं है। तो मैंने कहा सर अभी तो मशरूफियत है, क्योंकि जो भी पेंडिंग आईडी का सिलसिला चल रहा था उस दरमियान में, तो मैं अपनी मशरूफियत को मैं किस तरीके से जाहिर करूं बता नहीं पाऊंगा। सुबह 7-8 बजे से लेकर के रात में 2 बजे तक इतनी मशरूफियात थी, तो उसके बारे में तो बाद में बात होगी, बात की चीज है वो। तो मैंने कहा अगर आपकी इजाजत हो तो मैं, अगर ये पेंडिंग आईडी का सिलसिला खत्म हो जाए तो मैं सिखाना चाहता हूँ लोगों को और अच्छा लगेगा मुझे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल कफील, आप बिल्कुल सिखाइए और मुझे खुशी होगी। तो ये समझ लीजिए जो अभी जो प्लेटफॉर्म चल रहा है और हम सीखे 220 का, तो उसमें सबसे बड़ा जो रहनुमा है मेरे मेरे रहनुमा, मैं अपनी बात करूंगा और इंडिया के भी रहनुमा, वो मिस्टर गुरसविंदर ढिल्लन सर है, और बाकी पूरे दुनिया के जो रहनुमा है वो मिस्टर ऐश उफारे सर है, इसमें कोई दोनों दो राय नहीं है। ही और उन्हीं लोगों के जी पॉजिटिव पर्सनालिटी है। जी 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 दोनों लोग, तो समझ लीजिए कि अब देखा जाए तो जो हम लोगों के अंदर जो पॉजिटिव थिंकिंग है, हम लोगों के अंदर जो जोश रहता है ना, ये मतलब हिंदुस्तान की, मतलब मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, प्लस कि और भी पूरे मुल्क की, इंडिया में तो मान के चलिए मिस्टर गुरसविंदर ढिल्लन सर ही, उन्हीं की वजह से हम लोग इतना एक्टिव हैं
और इतनी ज्यादा हम लोगों को मालूमात मिलती रहती है क्योंकि हमारी जो मादरी जबान है उस लहजे में उस अल्फाज में वो हम लोगों को बताते हैं। क्योंकि यहाँ के भी लोग, जैसे कि आपके भी मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश बहुत बेहतर नहीं जानते, तो यहाँ भी वही हाल है, वहां भी वही हाल है, दोनों जगह तो दिक्कतें होती है। तो हमारे तो ये आओ सीखी का जो प्लेटफॉर्म है, ये आइडिया कैसे आया? यानी बस ये आपके खुद से?